I'm impressed. हमारे कोई टंटे नहीं है. टंटे मतलब? टंटे is like हिंदी स्लैंग फॉर नखरे. पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं. शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन शानदार ओपनिंग ले ली है. वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत सर की फिल्म लाल सलाम का भी फर्स्ट डे कलेक्शन पूरी तरह से कमाल का है. लेकिन दोस्तों रवि तेजा की फिल्म ईगल जिस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर आज पहला दिन है और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाकेदार शुरुआत कर ली है. लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म जिसे बॉक्स ऑफिस पर आज पूरे हो चुके हैं 16 दिन और ये फिल्म अभी भी करती जा रही है शानदार कमाई. तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की. तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है. तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म फाइटर के बारे में, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म फाइटर जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सुपरस्टार ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज 16 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने सिनेमाघरों में 2 हफ्ते कंप्लीट कर दिए और आज से फिल्म के 3रे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि दोस्तों 2 हफ्ते तक यह फिल्म सिनेमाघरों में अकेली चली और इस फिल्म को किसी भी फिल्म का कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिला. लेकिन दोस्तों आज से शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म रिलीज हो गई जिसके चलते फाइटर की जो स्क्रीन से वो 3रे हफ्ते में काफी कम हो चुकी है. लेकिन दोस्तों कमाल की बात ये है कि कम स्क्रीन होने के बावजूद भी ये फिल्म 3रे हफ्ते में डिसेंट कलेक्शन करती जा रही है. जी हां दोस्तों 250 करोड़ के बजट में बनी फाइटर फिल्म के अगर 16 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिन यानी कि पहले हफ्ते में ही इंडिया नेट कलेक्शन 152.84 करोड़ रुपए का कर लिया था. वहीं दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में इंडिया नेट कलेक्शन 39.52 करोड़ रुपए का किया था. बात करें दोस्तों इस फिल्म के आज यानी कि 16वें दिन के कलेक्शन के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से फिल्म के स्क्रीन्स कम हो गई है लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑक्यूपेंसी लेने में कामयाब रही और यह मूवी अपने 16वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 2.10 करोड़ रुपए का कर रही है. इसी के साथ दोस्तों फाइटर फिल्म का शुरुआती 16 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 194.50 करोड़ रुपए तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 231.50 करोड़ रुपए. बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 97.50 करोड़ रुपए की कमाई की है और इसी के साथ दोस्तों फाइटर का शुरुआती 16 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 329 करोड़ रुपए. जी हां दोस्तों फिल्म दुनिया भर में 329 करोड़ की शानदार कमाई 16 दिनों में कर चुकी है. अब दोस्तों कल है सैटरडे और परसों है संडे तो देखते हैं कि आने वाले 2 दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में और कितनी ग्रोथ आती है. लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बारे में, जिस फिल्म में पहली बार हमें शाहिद कपूर और कृति सेनन एक साथ देखने को मिल रहे हैं, वहीं इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आ रहे हैं लेजेंडरी सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब और डिंपल कपाड़िया. बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का ट्रेलर 2 हफ्ते पहले जब रिलीज हुआ था तो ट्रेलर को पब्लिक ने खूब पसंद किया था और फिल्म का जो गाने हैं वो भी सुपर डुपर हिट रहे थे जिसके चलते रिलीज होने के पहले फिल्म का बज अच्छा खासा बन चुका था और कहीं ना कहीं यूथ के बीच में इस फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो ऑलरेडी काफी अच्छी बन चुकी थी. जिसके चलते ही दोस्तों फिल्म ने आज रिलीज होते ही पहले दिन लिमिटेड स्क्रीन पर भी काफी बढ़िया ओपनिंग ली है और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म शाहिद कपूर के करियर की एक और हिट फिल्म साबित होगी. हालांकि दोस्तों बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का बजट और रिकवरी. तो दोस्तों आपको बता दें कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को दुनिया भर में 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया है और इस फिल्म का बजट है 75 करोड़ रुपए. लेकिन आपको बता दें कि जितना फिल्म का बजट है उससे लगभग 90% की रिकवरी इस फिल्म के मेकर्स इसे रिलीज करने से पहले ही कर चुके थे. जी हां दोस्तों इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो 36 करोड़ में बिके हैं, वही सैटेलाइट राइट्स 22 करोड़ में
में और म्यूजिक राइट्स बिक चुके हैं 10 करोड़ में। यानी कि फिल्म के मेकर्स ने इसके डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर 68 करोड़ की रिकवरी ऑलरेडी कर ली थी। अब अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में 15 से 18% के बीच में ऑक्यूपेंसी मिली है, जो कि काफी बढ़िया है। लेकिन फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग ऑलरेडी काफी शानदार हो चुकी थी। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड़ का कर रही है, जिसमें इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 8 करोड़ 30 लाख रुपए। बता दें दोस्तों, फिल्म अपने पहले दिन ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो रहा है 11 करोड़ 50 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म पहले दिन 11 करोड़ 50 लाख रुपए की ओपनिंग दुनिया भर में ले रही है। अब देखते हैं कि फिल्म को कैसे रिव्यूज मिलते हैं और ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आती है, उसके बाद इस फिल्म के कलेक्शन सेकंड डे और थर्ड डे कितने बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ईगल के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं मास महाराजा रवि तेजा। इस फिल्म को दोस्तों तेलुगु के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया है, लेकिन फिल्म को हिंदी मार्केट में बहुत ही कम स्क्रीन मिली और फिल्म का हिंदी प्रमोशन भी नहीं किया गया था, जिसके चलते ही इस फिल्म के कलेक्शन पहले दिन तेलुगु वर्जन में तो डिसेंट आ रहे हैं, लेकिन हिंदी मार्केट में इस फिल्म को ओपनिंग पूरी तरह से जीरो मिली है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का भी बजट और रिकवरी। दोस्तों आपको बता दें कि ईगल फिल्म का बजट है 80 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने इसे रिलीज करने से पहले ही 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिकवरी कर ली थी। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो 45 करोड़ में बिके हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पांचों भाषाओं के। वही दोस्तों इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी पांचों भाषाओं के 25 करोड़ में बिक चुके हैं और फिल्म के म्यूजिक राइट्स 3 करोड़ में बिके हैं। यानी कि फिल्म के मेकर्स ने डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर 73 करोड़ 73 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के साथ में तेलुगु सिनेमा की 2-3 नई फिल्में रिलीज हुई, जिसके चलते ईगल फिल्म को स्क्रीन कम मिली और इसी वजह से यह फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट कमाई कर रही है। जी हां दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ईगल फिल्म अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 6 करोड़ रुपए का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 7 करोड़ 20 लाख रुपए का हो रहा है। बता दो दोस्तों, फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 10 करोड़ की रेंज में। जी हां दोस्तों, फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन तो 10 करोड़ का है, लेकिन अगर ये फिल्म पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आई तो आने वाले दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। लेकिन देखते हैं दोस्तों कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाइनल कलेक्शन कहां तक करती है, वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताता रहूंगा। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई तमिल फिल्म लाल सलाम के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है ऐश्वर्या रजनीकांत ने। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी और धनुष की वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं विष्णु विशाल और विक्रांत। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म में लगभग आधे घंटे का एक दमदार केमियो सुपरस्टार रजनीकांत का भी है, जिसकी वजह से ही फिल्म को लेकर जो हाइप है वो तमिल वर्सन के अच्छे खासे बनी हुई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी 3 भाषाओं में रिलीज हुई है, लेकिन हिंदी में तो फिल्म को मुश्किल से 100-150 स्क्रीन भी नहीं मिली। हालांकि फिल्म को तमिल के अलावा तेलुगु वर्सन में डिसेंट स्क्रीन मिल गई है, लेकिन दोस्तों पब्लिक को पता है कि इस फिल्म के लीड हीरो तो यहां पर 2 अलग नए एक्टर हैं, विष्णु विशाल और विक्रांत, और फिल्म में रजनीकांत का सिर्फ केमियो है। उसके बावजूद भी रजनीकांत के नाम की वजह से ही इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन एक अच्छी खासी ओपनिंग मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का भी बजट और रिकवरी। दोस्तों लाल सलाम फिल्म का टोटल बजट 90 करोड़ रुपए का है, जिसमें फिल्म बनाने का खर्चा तो 50 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म में एक केमियो करने के लिए यहां पर रजनीकांत सर को 40 करोड़ की फीस मिली, जिसके चलते ही फिल्म का बजट 90 करोड़ का हो चुका है। और यहां पर रजनीकांत सर के एड होने की वजह से इस फिल्म के जो डिजिटल सैटेलाइट राइट्स है वो भी महंगे बिके हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो सभी भाषाओं के 37 करोड़ में बिके हैं, वही सैटेलाइट राइट्स 19 करोड़ में, तो फिल्म के म्यूजिक राइट बिके हैं 5 करोड़ में। यानी कि दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर 61 करोड़ 61 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। अब बात करें
फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर फिल्म को तमिलनाडु में तो बढ़िया ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, लेकिन तेलुगु स्टेट में अच्छी खासी स्क्रीन होने के बावजूद भी इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी तमिल वर्जन के अलावा तेलुगु में उतनी खास नहीं है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक लाल सलाम फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 12 करोड़ का, जिसमें इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 14 करोड़ 50 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म पहले दिन ओवरसीज मार्केट में लगभग 5.5 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों लाल सलाम फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 20 करोड़ की रेंज में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का बजट है लगभग 90 करोड़ रुपए और ये फिल्म पहले दिन दुनिया भर में 20 करोड़ की कमाई कर रही है, जो कि एक तरह से डिसेंट ओपनिंग है। अब देखते हैं दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में भी वीकेंड में और कितनी ग्रोथ आती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करती है। हालांकि दोस्तों आपको इन सब में से कौन सी फिल्म बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।